अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई अभी इस टाइम मैं कमरे के अंदर खड़ा हूँ, पीछे आपको हमारा एक्वेरियम नज़र आ रहा होगा। तो मसला कुछ यूँ हुआ यार, आप लोगों को पता है हमारी मछली ने 32 बच्चे दिए थे, जिसमें तो आज 8 जो थे वो पैदाइश के वक्त ही मर गए थे, और जो बाकी 22 बचे थे, 24 बचे जिसमें दो बाद में मर गए थे और 22 रह गए। 22 मैंने इस एक्वेरियम के अंदर छोड़े थे, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे। क्या हो रहा है ये? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सिर्फ और सिर्फ इसमें 10 बच्चे हैं और बाकी यार आर्क जो है ना, इतना गुस्सा चढ़ रहा है, क्या करें इसका। तो यार रात को भी मैंने दोस्तों देख के सोया था, कितने बच्चे, तकरीबन 18-19 थे। पहले जो बाकी के 4-5 थे वो उन्होंने पहले ही खा लिए थे, मुझे पता था खा लिए थे, लेकिन रात को मैं गिन के सोया था यार, टोटल 18 बच्चे थे और अब सिर्फ 10 है। इसका मतलब ये है कि भाई 8 बच्चे इस शार्क की बच्ची ने खा ली है। इतना गुस्सा चढ़ रहा है। और ये देखे भाई, इनके छोटे छोटे टोटे जो है ना, पीस जो होते हैं शार्क के, ये सॉरी हमारी बेबी फिश के जो है ना, ये देखे यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ ये पड़ा हुआ है, कुछ वो आगे पड़ा, मतलब इन्होंने खा के जो है ना वापस भी निकाला है। तो यार मुझे इन शार्क पे इतना गुस्सा चढ़ा है, जब से लाके छोड़े दोस्तों मसले बन रहा है यार। तो अभी हमने क्या करना है, पूरा एक्वेरियम साफ करना है अपना, और ये जो आपको पानी पाइप नजर आ रहा है ना, इसको बजरी के नीचे छुपाना है, ताकि पूरा एक अच्छा सा व्यू आए। फिशेस के बच्चे को आज हमने अलहदा कर देना है, और फिशेस इन फिशेस को भी बाहर निकाल के दूसरे में डाल के पूरा एक्वेरियम साफ करेंगे इंशाल्लाह। बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लंबी सब्सक्राइब करेंगे। तो चले आप लोग इतने देखें, हम काम शाम कर देते हैं, तो फिर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ जब सारा काम। अभी देखे यार ये जो हमने ये निकाल, ये है ना, ये नीचे ऐसे छुपा हुआ था, इसके ऊपर बजरी थी, इसको मैंने उठाया यार, हमारे फिशेस के बच्चे निकले यार इसके नीचे से। कितने हैं अलवी? 3। एक और था यार, वो मर तो नहीं गया शायद, किधर गया? इसके पीछे तो नहीं है, इस साइड पे नहीं है। टोटल 3 बच्चे दोस्तों यहाँ से निकले यार। वो रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ ये 3 है यार, इसका मतलब के हो सकता है और हो, इसके नहीं और नहीं है, वो मरे हुए हैं मुझे लग रहा है ना अभी। देखो कितना गंदा है यार। अरे यार इन बच्चों को भी निकाल लेते हैं, शुक्र। अरे यार जिंदा यार, मुझे तो यही आ रहा, थोड़ी जिंदा कैसे। चल इनको निकाल। एक्वेरियम को दोस्तों मैंने अच्छी तरीके देखे साफ किया, मैं ना इसका फिल्टर को जिस तरीके से कर रहा हूँ, ये जो ये पाइप है ना, ये ऐसे लग रही जैसे बजरी के नीचे से आ रहा है, और बजरी मैंने सर्फ से अच्छी तरीके से धोई है, आपको दिखाता हूँ, इतनी क्लीन हो गई है यार माशाल्लाह। ये देख, हाय हाय हाय, ये देंगे। तो अब ये इसके अंदर डालते हैं, कुछ ठीक लग रहा है अभी। चलिए यार इसके अंदर 200 बजरी डालते हैं, फिशेज हमारी देंगे इसके अंदर मिला करते हैं। बजरी डाल दी थी, अब ये वाली बजरी और ये आखिरी है, तो अब इसको भी डाल। अब ये जो थोड़े से बंटे हैं यार, इनकी सेटिंग यहाँ पे करते हैं। इतना जबरदस्त एक्वेरियम लग रहा है। अब आखिरी काम रह गया, वो काम रह गया पानी डालना और फिशेस को छोड़ते हैं। सारी माशाल्लाह हमने फिशेस इसमें दोस्तों डाल दी, कितनी प्यारी लग रही है यार। ये देखें कुछ यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई है और कुछ यहाँ पे आई हुई है, देखें ज्यादातर यहाँ, और कितना क्लीन हो गया हमारा माशाल्लाह पानी। बजरी भी देखें कितनी साफ हो गई है, एक मिनट से ये देखें। हाय हाय क्या बात है, आपको एक दफा ऊपर से भी दिखाता हूँ, ऊपर से नजर नहीं आ रहा, ये यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है यार, सारा अल्हम्दुलिल्लाह साफ कर दिया मैंने। ये देखें ये मछलियों के बच्चे जो हैं दोस्तों तकरीबन 13 हैं, और इनको अभी मैं ना सिल्टी में रखूंगा आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ एक बाउल लेके आऊँ, जो जो बच्चे निकला करेंगे ये वाले भी हम उसमें छोड़ देंगे, इन फिशेज हैं तो बच्चे हमारे सारे। तो अभी इनको मैं बाल्टी में रख दूंगा, ये देंगे जितनी भी 13 मछलियाँ, इनको मैं बाल्टी में रख दूंगा। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह फिल्टर भी चला दिए माशाल्लाह से, देखें मैंने अंदर करके रखा है पाइप इस दफ़ा, अब पाइप नहीं नज़र आ रहा, ये देख रहे हैं आप। और बाकी यार इसमें दोस्तों 5 मछलियाँ जो कि बच्चे देने वाली हैं, एक ये देखें, एक ये वाइट वाली है और दूसरी ये वाली है, और इसके अलावा दो ये दो वाइट वाली हैं, ये देखें दो, और एक हमारी प्लेटी रेड वाली। 5 मछलियाँ जो कि बच्चे देने वाली हैं, तो दुआ की जगह बच्चे दे दें यार, ताकि हमारे पास 150-200 बच्चा इकट्ठा हो। बेचारे घूम घुमा के वापस यार इसके अंदर आ गए, मैंने इस खुशी में डाला था कि यार वहाँ पर इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन बेचारे देखे सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, ये 13 हैं शायद। और बाकी हमारी फिशेज माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव खुश हो गई हैं।
टू नीचे घूम रहा है यार, वो देखें धूप में बैठा हुआ है और ये डब भी धूप सेक रही है। तो क्या रहा है इसके साथ इस वीडियो को एंड करेगा, पर्सन लाइक कीजिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यार हमने फाइनली दोस्तों सब कुछ कर दिया, उनका पानी काफ़ी गंदा हुआ था, एक्वेरियम काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने यार उसको साफ़ कर दिया, उसकी बजरी को अच्छी तरीके से सर्फ से धोया, काफ़ी मेहनत लगी, तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए मुझे इसी काम में और मैं थक चुका हूँ। तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे भाई अरे कैप गिर गई यार, बच गई। तो बस यार मैंने आपको कहा है मैं इस चैनल पर रेगुलर हो गया हूँ, आपको हर ब्लॉग में कहता हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ओके अल्लाह।